को तैयार है। तुम कहो तो बात चलाए, तुम्हारा रिश्ता तय करे। पैसे बड़े प्यार से देखता है तुम्हें। अरे बाबा, तुझे तो पता ही नहीं चलता कि तू बातों बातों में क्या बोल जाती है। और वैसे भी इस वक्त मुझे मेरे रिश्ते से ज्यादा तेरे रिश्ते की चिंता है। तू तो पूरे घर में तीर जैसी भागती फिरती है, हर चीज पर तेरी नजर जाती है, बस वही नहीं जाती जहाँ जानी चाहिए। कक्की, तुम समोसे खाओ, दिमाग न चलाओ। अच्छा बता, ये समोसे किस खुशी में है? वो क्या है ना, कल रात से जोगिन बाबू का मन उतरा हुआ था, तो मैंने सोचा उनके लिए समोसे बना देती हूँ। उन्हीं के लिए बनाए हैं, तो तुम्हारे लिए भी ले आई। हेलो, अगर उन्हें कम पड़ेंगे तो मैं और बना दूँ। ये तो बड़ा अच्छा काम किया तूने। परी, वैसे मेरे एक सवाल का सच सच जवाब दे, जोगिन तुझे पसंद है ना? हाँ, मुझे क्यों नहीं पसंद होंगे, आखिर वो इतने अच्छे इंसान हैं, इस घर के सबसे छोटे बेटे हैं, सब उन्हें इतना प्यार करते हैं, तो मैं भी उस तरह से उन्हें पसंद करती हूँ। अरे बाबा, जाने कब अकल आएगी तुझे। अच्छा किया जो मैं उस फकीर बाबा से तेरे लिए भाभूत लेके आई। वो तो कह ही रहे थे कि तेरे सर पे झांक सवार है बेवकूफी का। कक्की, तुम चाहे मुझे जो भी कह लो, लेकिन बेवकूफ मत कहना। कल रात जोगिन बाबू भी मुझे बेवकूफ दोस्त कह के बुला रहे थे। जय हो फकीर बाबा की। चलो, तेरे ऊपर ना सही, कम से कम जोगेन पर तो बाबा की झाड़ फूक का असर हो रहा है। चल अब जल्दी से इसे पी ले, ताकि तेरा दिमाग खुल जाए। कक्की, मुझे नहीं पीनी ये मिट्टी राख। अरे बाबा, मैं 6 घंटे लाइन में खड़ी थी, तब जाके बाबा का प्रसाद मिला है, और तुझे ये राख मिट्टी दिख रहा है। कक्की, तुम जो कहोगी ना मैं करूंगी, लेकिन ये बदबूदार गोबर का पानी मैं नहीं पी सकती। फकीर बाबा, इसे माफ कर देना, इसे तो पता ही नहीं कि ये क्या बोल रही है। अब जल्दी से इसे पी ले तू, ताकि मेरी मन्नत पूरी हो जाए और तेरे साथ साथ मेरी भी नैया पार हो जाए। चल जल्दी से इसे पी ले। नहीं, पी ले।
रंज की बिसात बिछाने वाले की ही जीत हो, ये कौन तय करेगा, मैं या तुम? ये बिसात मैंने बिछाई और जीतूंगा भी मैं ही। एक बार अगर खेल शुरू हो जाता है तो ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि जीत किसकी होनी है। तुमको ये नहीं पता कि सामने बैठा रंगराज ये बाजी कभी भी पलट सकता है। बूढ़े शेर अक्सर आदमखोर हो जाते हैं, सुना था मैंने, आज देख भी लिया। 10 साल के बाद भी तुम्हारी अकड़ कुछ कम नहीं हुई है। ये आदमखोर शेर शिकार को कैसे अपनी गिरफ्त में लेता है ये अब पता चलेगा। बस इसे इस पिंजरे से एक बार आजाद होने दो। ये रंगराज तुम सबको नेस्तनाबूद करके छोड़ेगा। मान गए रंगराज, 10 साल, 10 साल जेल में कैद रहने के बावजूद तुम अपनी रफ्तार नहीं भूली। तुम कौन हो? इससे पहले तुम्हें यहां कभी देखा नहीं मैंने। अभी बहुत सारे चेहरों से सामना होना बाकी है रंगराज। अजीब बात यह होगी कि तुम उनमें से ना अपनों को पहचान पाओगे और ना ही कहरों को। कभी सोचा है तुमने कि तुम यहां कैसे आए, हमें तुम्हारे प्लान्स का पता कैसे चला? नहीं ना? तो चलो इसी अंधेरे कमरे से शुरुआत करते हैं। तुम आराम से यहां बैठकर सोच सकते हो कि तुम्हें इस बार शय मिलेगी या मात। अब तुम मुझे यहां एक सेकंड में नहीं रह सकते हो। जिद मत करो रंगराज, कम से कम अपने जख्मी पैरों पर तो तरस खाओ। चलो मेरे साथ। चलो। नहीं। कहां भाग रहे हो? कल तुम मुझे मात देने की बात कर रहे थे और आज तुम्हारे पैर की चोट देख के ऐसा लगता है कि तुमने चाल सोच समझ कर नहीं चले। बैठो, तुम्हारी जगह ये। अच्छा हुआ आज हम समय पर पहुंच गए, वरना तो ये हाथ से निकल जाता आज। बहुत जल्दी है इसे देवी के पास पहुंचने की, जी में तो आता है। क्या कर रहे हो तुम? अपने ही हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर इसे कुछ हो गया ना तो हम देवी को नहीं झुका पाएंगे। देवी को तोड़ने के लिए इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। पता है मुझे, पर जब भी इसे देखता हूं मेरा खून खौलता है। मैं क्या करूं बारिन, इसने मेरा सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ। तुम चिंता मत करो, हम देवी से एक एक बात का हिसाब लेंगे, लेकिन उससे पहले यह सोचना है कि इसका क्या करें। इसको यहां रखना खतरे से खाली नहीं है, और ऊपर से इसने जगह भी देख ली। ठीक कहा तुमने, मेरे पास ऐसी एक जगह है, पर मुझे पहले देवी से बात करनी है। इतने सालों में पहली बार हमें किसी ने टक्कर देने की कोशिश की है। टक्कर देने की कोशिश नहीं देवी जी, खुद खुशी करने की कोशिश की है। उनको तो पता ही नहीं है कि उन्होंने शेरनी के मान में घुसकर शेरनी को छेड़ने की कोशिश की। अब तो उनकी पोटियां भी नहीं बचेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय हमारी हालत भूखी शेरनी से कम नहीं है, मगर हमारे लिए यह जानना जरूरी हो गया है कि वो कौन है जिसने हमारे किले में सेंध लगाई।
हमारे प्लान पर पानी फेरा और हमें ही धमकी दे रहा है। अगर देवी जी ने सिलसिलेवार तरीके से सारी छानबीन शुरू की तो सारी पर्दे खुलेंगे और तब ये भी बात सामने आएगी कि मैंने वो पेपर कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं था। इसीलिए किसी भी तरह से देवी जी का ध्यान भटकाना होगा। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए ना। मैं पता लगा लूंगा कि इस काम में किसका हाथ है और जैसे ही पता लगेगा मैं उसका पता आपको दे दूंगा। ये क्या पता लगा रखा है तुमने? हाँ जी, में तो आता है ना कि सबसे पहले हम तुम्हें ही लापता कर दे, हमारी आधी मुसीबत तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। मगर फिर भी पता तो लगाना ही होगा, पर इस बार सामने वाले की गलती नहीं अपनी गलतियों की, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल जाता है मगर अपनी गलती नहीं मिलती। हमें पता लगाना होगा और अपनी गलती सुधारनी होगी ताकि हम रंगराज जी तक पहुंच सके, और इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी योजनाओं की बखिया उधेड़नी पड़ेगी। अपने हर कदम को फिर से देखना पड़ेगा कि आखिर जंजीर की कौन सी कड़ी ढीली पड़ गई है, और इसकी शुरुआत हमें उस वकील से करनी होगी जिसने हमें यह खबर दी कि रंगराज जी का तबादला हो गया है। जाओ मकन और पता करो कि वो वकील इस वक्त कहां है। ये तो वही बात हो गई उमाकांत कि तुम खुद फावड़ा उठाओ और अपने कब्र का गड्ढा खोदो और फिर उसमें लेट जाओ और मरने का इंतजार करो। अरे जल्दी से अपनी खोपड़ी से कोई गंदा सा आइडिया निकालो उमाकांत, वरना सारे भेद खुले तो तुम्हारे ऊपर सफेद चादर चढ़ी हुई मिलेगी। अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हो उमाकांत? उमाकांत सफेद चादर नहीं, नहीं ब, 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 काला कोट नहीं, सफेद कोट। मेरा मतलब है कि मैं उस लॉयर के बारे में सोच रहा था। वैसे मुझे लगता है कि अपना मुंह खोलने से पहले एक बात याद रखना कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द सच हो, समझे? अब बताओ बात क्या है। अगर मैंने इन्हें बताया कि मैं वो पेपर नहीं पहुंचा पाया था तो भी मेरी जान नहीं बचने वाली है, और अगर मैं उस लॉयर को यहां ले आया तो भी मुझे मोक्ष मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्या सोच रहे हो उमाकांत? कहीं तुमने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं की? गड़बड़ कोई गड़बड़ नहीं, मैं तो सोच रहा था कि आखिर ये समस्या आई कहां से है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। देवी जी मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें लॉयर का कोई दोष नहीं है, वो उसके असिस्टेंट का कोई दोष होगा, शायद उसी ने बातें इधर से उधर की होंगी। कभी कभी लगता है कि तुम भी अच्छा सोच सकते हो। तुम्हारी बात दिमाग में रखते हुए हम शुरुआत यही से करते हैं। उमाकांत तुम अभी के अभी जाओ और उस वकील को पकड़ के लाओ हमारे पास, हम उससे बात करना चाहते हैं कि आखिर ये खबर उसकी जबान से और कहां कहां फिसली है। क्या तुम सचमुच में दिमाग पढ़ लेती हो? हाँ कक्की, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आप भी कर सकती हैं। इस खेल से तो बच के रहना होगा, वरना इसे पता चल जाएगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्यों देवी चौधरायन, कैसी हो? क्यों अपने दिमाग पर जोर डाल रही हो? तुम जितनी भी कोशिश करोगी नाकामयाब रहोगी।
मेरा पता तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा जब तक कि मैं ना चाहूं। कर लो जितनी कोशिश करनी है। तुम्हारा पाला हमसे पड़ा नहीं है, इसीलिए शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम क्या चीज है। तुम जानते नहीं, हम खून पीना जानते हैं। और जिस दिन तुम्हारा सामना हमसे हुआ, तुम्हारे शरीर में रक्त की एक बूंद भी नहीं बचेगी। अच्छा डायलॉग मारती हो तुम देवी, वाकई में बहुत खून पिया है तुमने देवी। पर अब वो दिन पूरे हो गए, अब उस हर कतरे का हिसाब देना होगा, जैसे रंगराज दे रहा है। और अब मुझे समझा तुमने इस गुंडे को क्यों चुना, बहुत जान है इसमें। आज तो ये हमारे हाथ से निकल ही गया था। तुम अपने दिन गिनने शुरू कर दो, क्योंकि बहुत कम ही बचे हैं। तुम्हारी गर्दन हमारे शिकंजे से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कौन किसके शिकंजे में है इसका फैसला बाद में करते हैं। पहले ये बताओ, तुम रंगराज से मिलना चाहोगी? कितने पैसे चाहिए तुम्हें और कहाँ लाना है? सब्र रखो देवी, सब्र रखो। तुम ही हमेशा कहती हो ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो आस लगाए टेलीफोन को चिपकी रहो और हमारे टेलीफोन का इंतजार करो। पर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना अपने रंगराज का दोबारा रंग नहीं देख पाओगी तुम। अरे हे बेटा, अरे तुम ये रोज रोज कहाँ जाती हो तैयार होकर, जाने कहाँ निकल जाती हो रोज रोज, और यहाँ पूरा घर मुझे अकेले को ही देखना पड़ता है। कक्की, मैं नारी निकेतन जा रही हूँ, और वैसे भी परी तो है ना आपके साथ में। अरे उसका तो होना ना होना एक जैसा ही है, या तो पूरा दिन रसोई घर में पड़ी रहेगी या टीवी में आग गड़ाई रहेगी, तो पल हमारे साथ नहीं बैठ। अरे सच कह रही हूँ मैं, तुम तो जानती हो ना उसको। अरे उसे तीरघाट बोलो तो उसे मीरघाट सुनाई देता है। अरे उसकी तो उल्टी बांसुरी की मुरलिया अलग ही बजती रहती है। मैं तो बहुत अकेली पड़ गई हूँ यहाँ पर। मैं एक काम करती हूँ, आज मैं भी तुम्हारे साथ नारी निकेतन चलती हूँ। चलो कक्की, अब नारी निकेतन आकर क्या करेंगे? अरे बाबा क्या करूंगी, मतलब मुझे बताओ तुम वहां जाकर क्या करती हो? कक्की, मैं वहां की औरतों को जीवन जीने का ढंग सिखाती हूँ, उनके अंदर आत्मविश्वास भरती हूँ, उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखाती हूँ। बस इतनी सी बात? अरे ये तो बहुत आसान। नहीं कक्की, जितना आसान लगता है ना उतना आसान होता नहीं है। बहुत सी औरतों ने अपना वजूद खो दिया है, इसीलिए उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलती रहती है। बस उनके दिमाग को पढ़ने का काम करती हूँ। क्या तुम सचमुच में दिमाग पढ़ लेती हो? हाँ कक्की, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आप भी कर सकती हैं। इस खेल से तो बच के रहना होगा, वरना इसे पता चल जाएगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अच्छा चलो छोड़ो ये सब और मेरी बात मानो। अरे मैंने अपने गांव में ये सब बहुत किया हुआ है। तुम्हें पता है जब हमारे गांव में किसी औरत को कोई भारी सामान उठाना होता था या जात नहीं चलती थी तो मुझे बुलाते थे ताकत लगाने के लिए, और हमारे आते ही उनके सारे काम चुटकी में हो जाते थे। ईश्वर की भक्ति का इतना प्रताप है हमें। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ मैं। नहीं कक्की, मैं मजाक में नहीं ले रही हूँ। हमारे बुरे वक्त में आप ही ने तो हमें हिम्मत दी है, आप ही के भरोसे पर हम सब है कक्की। वरना बाबा की इस हालत ने तो मुझे और जोगिन को कब का तोड़ दिया होता। पता नहीं बाबा कब वापस आएंगे। बुरे पगली उदास क्यों होती है, दादा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और मैं जो यहाँ पूरा दिन पूजा पाठ आरती घुमाती रहती हूँ सब अपने दादा के लिए ही तो करती हूँ मैं। तुम देखना वो जल्द ही सही सलामत लौट आएंगे घर पर, और हम सब पर उनका साया हमेशा बना रहेगा। हाँ कक्की,
बाबा वापस आ जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा। अच्छा कक्की अब मैं चलती हूँ, मगर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको बहुत जल्द नारी निकेतन लेकर चलूंगी। ठीक है। और निन्नी बता रही थी कि ये बच्ची उसे स्टेशन के पास मिली थी। मगर बॉडी ये है कौन? जोगिन ये वही लड़की है जिसने मेरा पर्स लिया था